दोस्तों, मैं हूं सादिक और आप देख रहे हैं ऑनलाइन एक्टिंग। आज मैं आप सभी के साथ एक्टिंग कैसे सीखें इस विषय पर एक्टिंग टिप्स लेकर आया हूं और ये वीडियो आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं। आज के 40% युवा एक्टिंग लाइन में जाने का सपना है। अगर आप भी एक्टर बनना चाहते हैं, सपना देखते हैं, तो दोस्तों किसी भी काम को करने से पहले हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर वजह क्या है हमें उस काम को करने की, क्यों हम उस काम को करना चाहते हैं। मैं आपको कुछ ख़ास वजह बताता हूँ किसी भी इंसान का मन एक्टिंग लाइन में जाने का क्यों करता है, आखिर वो एक्टिंग लाइन में जाना क्यों चाहता है। उनको एक्टिंग का शौक होता है, कुछ बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, कुछ अपना नाम बनाने के लिए इस फील्ड में जाना चाहते हैं। और दोस्तों, वजह कुछ भी हो, एक्टिंग अगर आपको नहीं आती है तो आप एक्टिंग लाइन में कभी नहीं जा सकते। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में चले गए तो यकीन मानिए आपको ऐसा समझिए दोनों काम बहुत ही आसानी से होंगे आपके, क्योंकि इस इंडस्ट्री में नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत और ऐसा समझ लीजिए सब कुछ आपको मिलता है, फैन फॉलोइंग मिलती है आपको, सब कुछ आपके लिए होता है। अगर आपको अभिनय आता है तो आपको 100% ये सारी चीज़ें मिलेंगी, सब कुछ मिलता है। सिर्फ ज़रूरत है कि आप एक्टिंग करने में माहिर होना चाहिए। यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या आती है और वो समस्या है कि उस एक्टिंग स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, जो एक मध्यम, बहुत ही छोटे और मिनिमम वर्गीय परिवार के लिए बहुत मुश्किल होती है। ये बड़ी समस्या है। एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों ये रहता है कि वहाँ पर फिल्मों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आते रहते हैं, और अगर उन्हें आपकी एक्टिंग कला पसंद आए तो आप एक एक्टर बन सकते हैं, क्योंकि वो आपको आगे ले जा सकते हैं। आपके ऑडिशन को देख के वो आपको आगे चांस दे सकते हैं, थिएटर कर सकते हैं आप। बॉलीवुड में काफ़ी ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने थिएटर करा है, थिएटर में काम किया है, आज अपना नाम बनाया है। और जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भी तमाम एक्टर हैं, इरफान खान। अगर आपके पास एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने का समय, पैसा नहीं है, तो आप थिएटर ज्वाइन करके अपना एक्टिंग लाइन में जाने का सपना बरकरार रख सकते हैं और जा सकते हैं। थिएटर में आपको रोल मिलेंगे जिसमें आपको पूरे मन से उस रोल में घुस के उस किरदार को निभाना है, जिससे आपकी एक्टिंग में सुधार आएगा। साथ ही आप किसी डायरेक्टर के पास भी जा सकते हैं और बता सकते हैं कि आपने इस थिएटर में इतने साल काम किया है और आपको इतने साल का अनुभव है, और आप अच्छा ऑडिशन देंगे, कामयाब हो जाएंगे। वहाँ सिर्फ आपको अपना ऑडिशन देना होगा और आपका सिलेक्शन होते ही आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। काफ़ी लोगों के मन में ये डर भी होता है कि ऑडिशन कैसे दें, उन्हें किस तरह का काम समझ में आएगा। बड़ा अलग अलग तरीके के डर सताते हैं, हमसे पता नहीं क्या पूछेंगे, पता नहीं क्या करवाएंगे, कैसा रोल मिलेगा, वहाँ अच्छी तरह से एक्टिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलिए आपकी मैं इस समस्या का भी समाधान निकालता हूँ और बता। ऑडिशन जब आप देते हैं, जब आप देने जाते हैं, सबसे पहले आपको लाइन्स याद करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको जो मर्जी रोल मिले, आपको अपने एक्शन से और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से ये दिखाना है कि आप उस चीज़ को फील कर रहे हैं, पूरे मन से उस किरदार को निभाएं, चाहे आप अंदर से डर रहे हो या आपने तो पहले उस किरदार की एक्टिंग तो नहीं की होगी। जाहिर सी बात है, आपको डर तो लगेगा ही, मगर आपका खुद का अपना स्टाइल होना चाहिए। आप गलती से भी किसी की कॉपी ना करें, आप अगर करते हैं तो आप रियल करिए, एक एटीट्यूड रखें। काम करते समय चाहे आपको उस काम की बहुत ही ज़रूरत हो, लेकिन सामने वाले को जाहिर ना होने दें कि आपको उस काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समझे। ये तो आपने सुना ही होगा ना, किसी की मेहनत ज़ाया नहीं जाती। अगर आपने मेहनत की है, आपने एक्टिंग स्कूल में सीखा है, या आपने थिएटर किया है, या जो भी आपने किया है, या आपने होम प्रैक्टिस की है, या आपने यूट्यूब से सीखा है, या अलग अलग तरीके से लोग सीखते हैं, आपने अगर रियल मेहनत की है तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको 100% काम मिलेगा। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी करते रहिए, ऑडिशन में जाने से पहले अपनी जो भी स्क्रिप्ट आपको मिलती है उसकी लाइंस आपको याद होना चाहिए अच्छे से। फिर आप अपने किरदार, जो भी आपको किरदार मिला है, उसमें आप अपने तरीके से ऑब्जर्वेशन करके बढ़िया किरदार करिए और बढ़िया ऑडिशन दीजिए, बिना डरे, बिना किसी झिझक के। आप ये मान के चलिए कि आपको, आप जो ऑडिशन दे रहे हैं, आपका नहीं होगा सिलेक्शन,
आप बिना किसी डर के ऑडिशन दीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। और तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छा म्यूज़िक सुनते रहिए, और जो लोग फिल्मों में काम कर रहे हैं मोटिवेशनल, उनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो देखते रहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो से मैं इजाज़त चाहता हूँ। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको कहना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं।